बोल्ड स्काई पर आपका स्वागत है। दोस्तों, भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जन्माष्टमी मनाई जाती है, ये बात तो आप जानते ही होंगे और ये भी जानते होंगे कि इस बार ये 2 और 3 सितंबर को मनाई जाएगी। पर ये शायद ही आप जानते हों कि इस बार जन्माष्टमी पर जयंती योग बन रहा है, जो द्वापर युग में कृष्ण के जन्म के समय बना था। इसीलिए इस दिन पूजा के समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। और ये बातें कौन सी हैं, ये भी हम आपको बता दें। सबसे पहले तो इस दिन अगर आप दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं तो इसका आपको दुगना नहीं बल्कि 3 गुना पाप भुगतना पड़ेगा। इसीलिए जन्माष्टमी पर भूल कर भी कोई बुरा काम बिल्कुल ना करें। बात करें अगर दूसरी विशेष बात की, तो कहा जाता है कि अगर जन्माष्टमी पर आप घर में नई मूर्ति लाए हैं भगवान श्री कृष्ण की, तो ऐसा ना हो कि आप पुरानी मूर्ति की पूजा ही ना करें। नई के साथ साथ आप पुरानी मूर्ति की पूजा करना बिल्कुल भी ना भूलें। बात करेंगे तीसरी विशेष बात की। जन्माष्टमी के व्रत को व्रतराज भी कहा जाता है। इस दिन घर में शांति और सद्भाव बना रहता है तो लक्ष्मी प्रसन्न होती है। इसीलिए इस दिन विवादों से कलह से दूर रहें। बात करेंगे चौथी विशेष बात की। विष्णु पुराण के अनुसार इस दिन भगवान के भोग में तुलसी का पत्ता जरूर होना चाहिए। बिना तुलसी के भगवान प्रसाद स्वीकार नहीं करते। बात करेंगे पांचवी और अंतिम आवश्यक बात की। जन्माष्टमी के दिन सात्विक भोजन करना चाहिए। इस दिन मांस मछली और मदिरा का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। तो ये थी वो विशेष बातें जिनका आज के दिन यानी कि जन्माष्टमी के दिन विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। इन्हीं विशेष बातों के साथ ही बोल्ड स्काई पर अभी के लिए बस इतना ही।